हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं टैबलू सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि टैबलू में कितने टाइप की स्टोरेज फाइल्स होती है और उनके हमने टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे हायरार्की और फोल्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की क्या होती है। सपोज़ हमें अगर सेम टाइप की वैल्यूज़ सपोज़ हमारे पास कोई कंट्री है, देन उसमें स्टेट है, देन पोस्टल कोड है, तो ये हमारे पास क्या है, सेम टाइप की वैल्यूज़ है। सपोज़ यहाँ पर ईयर है, डेट है, एंड मंथ एंड मेन मंथ नंबर, तो ये हमारे पास सेम टाइप की कैटेगरी है, कैटेगरी की वैल्यूज़ है। या फिर प्रोडक्ट्स या सब प्रोडक्ट में सब कैटेगरी, तो ये हमारी क्या है, एक सेम टाइप की वैल्यूज़ है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके लिए हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैं एक हायरार्की क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन हायरार्की एंड क्रिएट हायरार्की। तो यहाँ पर मैं एक हायरार्की क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ H1, या फिर मैं इसको करता हूँ, डेट डेटा। तो यहाँ पर हमने एक हायरार्की क्रिएट की डेट डेटा, और इसमें मैं इसे प्रोडक्ट बाहर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डेट, सॉरी, यहाँ पर मैं इसमें कुछ वैल्यू, सपोज मंथ नेम एंड मंथ नंबर, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वैल्यू। और सपोज़ यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मंथ नंबर, मंथ नेम, देन इसमें मैं ऐड भी ईयर कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फ्रॉम हायरार्की। तो यहाँ पर ईयर, मंथ नेम, और यहाँ पर मैं इसको डेट ले लेता हूँ। तो डेट, मंथ एंड यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्लस साइन मीन्स हमने क्या किया, सारी कैटेगरी हमारे साथ एक साथ ग्रुप में, या इसको हम बोल सकते हैं हायरार्की में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको प्लस करता हूँ, मीन्स ये सारी कैटेगरी एक साथ हमारे मैं और इसे कर देता हूँ सपोज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, तो ये आप देख सकते हैं डेट, ईयर, मंथ एंड मंथ नंबर, ये सारी चीज़ें एक साथ व्यू हो रही है। मैं इसे ले लेता हूँ लेबल, तो और मैं अगर इसको कलर में कर दूँ तो ओके। तो ये आप देख सकते हैं हमारी डेट, मंथ, और अगर मैं इसमें यहाँ पर हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हायरार्की का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं फोल्डर पर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ मैं डिस्काउंट एंड प्रोडक्ट एंड सेगमेंट इसको एक फोल्डर में रखना चाहता हूँ। फोल्डर का हम यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं, बेसिकली फोल्डर का हम ओनली वैल्यू को कंटेन करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ऐड एंड क्रिएट फोल्डर ग्रुप बाय फोल्डर, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, वाई वी आर नॉट गेटिंग फोल्डर ऑप्शन, इसको ग्रुप बाय फोल्डर, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और मैं इसका फोल्डर 1 दे देता हूँ, और मैं इस वैल्यू को सपोज़ फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फोल्डर ऐड टू फोल्डर,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वैल्यूज फोल्डर के अंदर ऐड हो चुकी है। सपोज़ मैं इस वैल्यू को फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐड टू फोल्डर वन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी फोल्डर। तो बेसिकली हम फोल्डर का की जो वैल्यूज़ होती है उन्हें यहाँ ऐड नहीं कर सकते, ओनली हम जस्ट स्टोर करने के लिए या हम कैटेगरिकल डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमने देखा कि हायरार्की को कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज़ अगर हमें हायरार्की को डिलीट करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव हायरार्की, और अगर हमें फोल्डर से रिमूव करना हो तो यहाँ पर हम रिमूव फोल्डर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हायरार्की और फोल्डर को क्रिएट और रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।